हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे आलू की खस्ता पूरी। तो आलू की खस्ता पूरी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप गेहूं के आटे को छान कर ले लिया है। मसालों में हमने लिया है 3 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ मैंने 3 छोटा चम्मच नमक का यूज किया है। हमने 4 उबले हुए आलू को अच्छे से छील कर ले लिया है। अब हम इसे आटे में कसेंगे। आलू को ग्रेटर की हेल्प से आप इस तरीके से कस लीजिए। आलू हमने कस लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सभी मसाले। तो सभी मसालों को एक साथ डाल देते हैं। हमने यहाँ 1 छोटा चम्मच अजवाइन ली है, इसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट में हम ऐड करेंगे हरा धनिया। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। आप कसूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ हरा धनिया का यूज किया है। अब इसे गूथ लेते हैं। पूरी की तरह टाइट आटा आपको गूथना है और पानी की अगर जरूरत हो तभी आप पानी को ऐड कीजिए। आटा हमने गूथ लिया है। ये देखिए, हमने इतना सख्त आटा गूथा है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हमारा आटा सेट हो चुका है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से वापस से सेट कर लेते हैं। हम इसकी नींबू के आकार की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और उसकी पूड़ी बेलेंगे। हमारी सभी लोइयां बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको इतनी छोटी साइज की लोई बनाकर तैयार करनी है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे ताकि जो ये लोइयां हैं वो आपस में चिपके नहीं, और इनकी पूड़ी बेलकर तलने के लिए डाल देते हैं। एक लोई लेकर उसे पतला पतला बेलेंगे पूड़ी की साइज का। इतनी पतली आपको पूड़ी बेलनी है, इसे तलने के लिए डाल देंगे। तरीके से सभी पुड़ियों को बेलकर तैयार कर लेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है, पुड़ी को तलने के लिए डाल देते हैं। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इसी तरीके से हमें सभी पूड़ियों को अच्छे से तल लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी पूड़ी हमारी सिककर तैयार हुई है। इसे गोल्डन होने तक हम और तलेंगे। सारी पूड़ियां आपकी इसी तरीके से बहुत अच्छे से फूलेंगी और इतनी खस्ता पूड़ी ये बनती है, बहुत अच्छी। पूड़ी को प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी आलू की खस्ता पूरी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी फूली हुई और बहुत खस्ता है ये पूरी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं।
झोल वाली जो आलू की सब्जी है आप उसके साथ खा सकते हैं। आज मैंने साबूदाने की खीर और साबूदाने की टिक्की बनाई है व्रत के हिसाब से, तो आप इनके साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारी कंप्लीट थाली है ये बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।